सामाजिक बुद्धि क्या है? जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक कार्य कौन लोग करते हैं? नेता, राजनेता, सभी लोग सामाजिक बुद्धि रखते हैं। आप हम सब क्या रखते हैं? सामाजिक बुद्धि रखते हैं। समाज में क्या करते हैं? समन्वय स्थापित करते हैं अपने और समाज के बीच में। दूसरी आपकी क्या है? मूर्त बुद्धि, वो क्या है? जो मूर्त चीजों का निर्माण करते हैं वो, उनके पास कैसी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि। इसमें आपके क्या आते हैं? मूर्तिकार आते हैं, इंजीनियर आते हैं और घर बनाने वाले आते हैं, ये सारे लोग आते हैं मूर्तिकार में। और आपका अमूर्त बुद्धि क्या है? ऐसे बुद्धि रखने वाले लोग, ऐसी बुद्धि रखने वाले जो क्या करते हैं, जिन चीज़ों को नहीं देखे होते हैं कल्पना करते हैं, उनके बारे में भी लिखते पढ़ते या सुनाते हैं। इनमें कौन आते हैं? कवि आते हैं, कहानीकार आते हैं, संगीतकार आते हैं, गायक आते हैं, चित्रकार भी आपकी अमूर्त कल्पना करते हैं ना, वो कल्पना करते हैं चित्रों की कि ऐसा बह रहा होगा। जो आपकी सीनरी आप लोग देखते हैं ना, वो भी उसके क्या मन में है कि ऐसे बह रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया कौवा उड़ रहा है, तो ये सारी जो उसकी कल्पना है। और ऐसी चीज़ों का जिनका आप किसी संकेत मात्र से उस चीज़ का क्या कर लेते हैं? व्याख्या कर लेते हैं या उसका वर्णन कर लेते हैं या उसका विश्लेषण कर लेते हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है? अमूर्त। और ऐसी बुद्धि क्या कहलाती है? अमूर्त बुद्धि, है ना। ये तो बात समझ में आपको आ गई कि बुद्धि है क्या और बुद्धि के प्रकार क्या हैं। अब देखिए यार, बुद्धि लब्धि, क्या बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि, ये जो बुद्धि लब्धि शब्द है, सबसे पहले इसे स्टर्न ने इसका अध्ययन किया था। इसने स्टर्न, कल इनकी डिफिनेशन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य की अवस्था ही क्या है? बुद्धि है। सामंजस्य की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एक प्रकार की योग्यता है, एक प्रकार की योग्यता है, निपुणता है कि हम किसी नवीन परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करते हैं। इसी योग्यता, इसी निपुणता से हम अपने आप को नवीन परिस्थिति में क्या करते हैं? समायोजित करते हैं, उनके साथ समायोजन करते हैं। और ये किसने कहा था? स्टर्न ने कहा था। बुद्धि क्या है? योग्यता है। बुद्धि क्या है? योग्यता है, जिसके हिसाब से, जिसके अनुसार हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने वातावरण के, नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हैं या समायोजित करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, है ना, क्रियान्वयन करते हैं जब हम अपने और अपने समाज से, तो वही जो अंतर्क्रिया होती है वही क्या होती है? समन्वय होता है। क्या होता है? समन्वय होता है। और उसी योग्यता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। अब बात आई बुद्धि मापने की, इसकी बात आई कि बुद्धि एक्चुअली में अभी तक तो क्या था, बुद्धि कैसे बताया जाए, है क्या, परिभाषित कैसे किया जाए। अभी बात आई बुद्धि मापा कैसे जाए, है ना। बुद्धि मापने में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? महोदय बिन्ने का। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। देखिए फ्रांस में जब 19वीं शताब्दी की बात है, कि उस समय क्या होता था कि जब कोई बालक या कोई व्यक्ति क्या होता था, मानसिक रूप से उसकी बुद्धि कम हुआ करती थी या किसी प्रकार से वो मानसिक रूप से विचलित हुआ करता था, तो उस समय क्या करते थे कि वो अगर पागलों जैसा बिहेव कर रहा है,
कुछ उचित अनुचित नहीं जान रहा है, तो लोग क्या करते थे कि इसके अंदर दुरात्मा घुस गई है। पहले के लोग क्या होते थे, रूढ़िवादी होते थे, है ना, और जो है सारी चीज़ें क्या नकारात्मक ऊर्जा के से तुलना करते थे। तो जब कुछ बच्चे ऐसे जो डिसऑर्डर होते थे, डिसऑर्डर बच्चों के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो उस सेंचुरी में जब ऐसे बच्चे होते थे, मनुष्य होते थे, तो लोग उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे, बहुत समाज में हीन भावना से तो देखा ही जाता। आज भी ये स्थिति है कि जिनको बुद्धि कम है क्या करते हैं लोग, बहुत हीन भावना से उनकी तरफ देखते हैं। तो ये फ्रांस की बात है, तब जिन बच्चों के पास बुद्धि कम होती थी, या फिर जिन पुरुषों के पास, जिन महिलाओं के पास, जिन वयस्कों के पास बुद्धि कम होती थी, ऐसा लोग मानते थे कि क्या हो गया है, इनमें दुरात्मा ने प्रवेश कर लिया है। और उनको क्या करते थे, बड़ी बड़ी चेन से बांध के रखते थे। देखा होगा आपने टीवी वगैरह अगर देखते होंगे तो पागलों को कैसे रखते थे, बांध के, बिल्कुल चेन में जकड़ के कि कहीं खुल ना जाए। और ऐसा क्या मानते थे कि इनके अंदर दुरात्मा घुस गई है, उनको क्या करते थे, मारते पीटते थे। और जो अन्य प्रकार के चीज़ें होती हैं, जो आप क्या करते हैं, वैद और बोझा वगैरह जो होती है, उनसे क्या करते थे, भूत दबाते थे कि अगर छोड़ दे तो क्या हो जाए, मनुष्य ठीक हो जाए। आज भी ऐसी स्थिति है, लेकिन आज क्या है, थोड़ा जागरूकता बढ़ गई है, लोग इन बातों पे कम विश्वास करते हैं, डॉक्टर के पास पहले जाते हैं। तो उस समय जो है, एक आपके सैग्यून और इडॉर्ड, ये दो आपके ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, अभी आप लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। इन लोग उस समय जो है इस चीज़ पे क्या वैज्ञानिक जो है शोध स्टार्ट किए। अभी तक ये क्या था, ये रूढ़िवादिता था कि ये मान लीजिए दुरात्मा घुस गए, इसको मारा पीटा जाए, चेन में बंद कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, समाज में निकलने ना दिया जाए। लेकिन सैग्यून और एवॉर्ड जो है दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए फ्रांस में, जिन्होंने इसका वैज्ञानिक अध्ययन स्टार्ट किया कि एक्चुअल में ये होता क्यों है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, शोध करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप लोग किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, है ना। दैनिक जीवन में ही कोई चीज़ें जो अनसुलझी हो, जिनके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, खोज स्टार्ट कर देते हैं। तो सैग्यून और एडॉर्ड ने भी यही किया। वो क्या किए कि एक्चुअली में ये होता क्यों है, इसका क्या है, इन्होंने इस फील्ड में बहुत वर्क किया। लेकिन जो एक्चुअल में जिसने वर्क किया उनका नाम आता है बिन्नी। इन्होंने 1905 में बुद्धि परीक्षण आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्होंने एक बुद्धि परीक्षण स्केल का निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं, बिन्नी साइमन स्केल, है ना। क्योंकि इनके साथ एक साइमन नाम के जो है साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी वर्क किया। इस स्केल को जो है क्या कहते हैं, पहला जो इन्होंने परीक्षण बनाया बुद्धि को मापने के लिए। बुद्धि कैसे मापते थे, ये एक जो है इनका एवरेज होता था, जिसे सामान्य रखते थे, सामान्य, उससे जो है आपका विशिष्ट और इससे जड़, इसमें क्या रखते थे, प्रतिभाशाली, जड़। अभी आप देखेंगे कि प्रतिभाशाली में वो लोग आ जाते हैं जो क्या होते हैं, सबसे ऊपर, जिनकी बुद्धि लब्धि सबसे ऊपर होती है, और सामान्य में एवरेज लोग आते हैं, है ना। सामान्य में ऐसे लोग आते हैं जो सामाजिक रूप से क्या एकदम स्थिर होते हैं, सामान्य जो है बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा जो है बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, समाज में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जैसा समाज कर रहा है वैसा वो भी क्रिया करते हैं, और वो क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, और हर काम जो है जैसा ये कर रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग विशिष्ट होते हैं, वो कैसा कार्य करते हैं, सबसे विशिष्ट, सबसे अलग काम करते हैं, है ना। पहले तो, अब तो जो है विशिष्ट का डिफिनेशन ये आ गया कि विशिष्ट में दोनों प्रकार के लोग आ जाते हैं, या तो बहुत हाई प्रतिभा वाले या तो बहुत लो प्रतिभा वाले। पहले विशिष्टता सिर्फ आपकी बुद्धि से ली जाती थी,
इसे आप क्या कह सकते हैं, उच्च बुद्धि स्तर या निम्न बुद्धि स्तर। लेकिन जिसको आप उच्च बुद्धि स्तर या निम्न बुद्धि स्तर, इसमें क्या होता था कि तीन एक स्केल के तीन एवरेज होते थे, मतलब तीन बिंदु होती थी। इसमें आपके यहाँ क्या होता था, रेशियो जिसे आप कह सकते हैं, या रेशियो स्केल इसको मानते थे। बीच में आपका क्या होता था, एवरेज होते थे, यहाँ सुपीरियर होते थे और यहाँ होते थे इंफीरियर। बात समझ में आ रही है? तीन ही कैटेगरी में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। पहले तो जो है ऐसे आइटम्स नहीं थे, फिर बाद में इस स्केल को और क्या किया गया, सुधारा गया, तब 1908 में। और इसमें रखे गए आपके 30 आइटम्स, 30 आइटम्स मतलब पद रखे गए। उसमें क्या होता था, बालकों के जो बच्चे थे 2 से 11 वर्ष के बच्चों को ये क्या करते थे, उनके बुद्धि का परीक्षण करते थे। डिफरेंट आइटम्स देखे, आइटम्स कहने का मतलब अलग अलग चीज़ें वस्तुएं देखे, क्या करते थे उनसे सवाल या क्रिया करवाते थे। फिर जो है इनका शोध किया गया 1911 में। जब 1911 में इनका शोध किया गया तो इसमें क्या किया गया, 59 आइटम्स हो गए। इसमें मॉडिफिकेशन किया गया उसी स्केल में, बिन्ने के स्केल में। कब किया गया, एक बार 1905 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण के स्केल का निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं, बिन्ने स्केल परीक्षण कहते हैं, बिन्ने स्केल या बिन्ने परीक्षण। फिर उन्होंने 1908 में जो है उसका शोधन किया, फिर 1911 में शोधन किया, और उस 1911 वाले स्केल को क्या कहते हैं, बिन्ने साइमन स्केल कहते हैं, बिन्ने साइमन स्केल। फिर इनका शोधन जो है 1916 में हुआ, और इसमें और सारे आइटम को सम्मिलित कर दिया गया। आइटम्स कहने के मतलब वो ग्रुप, वो चीज़ें जो बालक को दे दी जाती थी और उनके हिसाब से क्या किया जाता था, उनका अरेंजमेंट करवाया जाता था या फिर उनकी गिनती करवाई जाती थी, जिसके हिसाब से जो है बालक की बुद्धि का वो क्या करते थे, परीक्षण करते थे। जैसे अब मान लीजिए आप लोगों ने ऐसे दे दिया है, अभी आप इन्होंने बताया कि दो टर्म होते हैं, एक क्या होता है मानसिक आयु जिसे आपका कहते हैं मेंटल एज, और दूसरी आपका होता है वास्तविक आयु। जिसे आप कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। आपका ये जो है वास्तविक आयु को आप क्या कहते हैं, तैथिक आयु के नाम से भी जानते हैं, तैथिक आयु। 1908 में जो है बिन्ने साइमन ने स्केल पे या बुद्धि निकालने के लिए इस चीज का यूज किया, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। इन्होंने बताया कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो रेशियो है, जो रेशियो है उसमें 100 से गुणा करने के बाद बुद्धि लब्धि मापा जाता है, या बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति का निकाला जाता है। क्या फार्मूला आया, MA अपॉन CA इंटू 100। क्या बिल्कुल ये अभी देखिए, पहले बिन्ने साइमन ने साथ में मिलके बनाया, 1905 में और 8 में उसने सुधार किया। 1911 में जो है टर्मन नाम के साइंटिस्ट जो अमेरिका के थे, उन्होंने भी इसमें क्या किया, सुधार किया। अभी जो है आपका आइटम जो था वो 30 था, 59 था, अब आपका आइटम कितना आ गया, 90 आ गया। उसमें क्या करते गए, वो मॉडिफिकेशन करते गए, चेंजेस लाते गए। जैसे किसी चीज़ का निर्माण हो गया, जैसे रिकॉर्डर का निर्माण हो गया, फिर क्या हुआ, टाइम रिकॉर्डिंग आने लगा, इसके बाद फिर वॉइस रिकॉर्डर भी आने लगा। जैसे समय के साथ साथ क्या होने लगा, उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें चेंजेस आते गए। तो इनके भी, इनके साथ भी क्या हुआ, जब इन्होंने 1905 में बुद्धि लब्धि को नापने के लिए, और ये बुद्धि लब्धि शब्द दिया किसने,
स्टर्न ने दिया। सिस्टर ने पहली बार जो है बुद्धि लब्धि शब्द यूज किया। ये बुद्धि परीक्षण, बुद्धि को मापने के लिए जिस स्केल का निर्माण किया विन्ने ने किया, उन्होंने 1905 में किया, लेकिन बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्न ने किया, है ना? कंफ्यूज मत हुई। मानसिक आयु और वास्तविक आयु, इसमें जो है यम में स्टर्न ने कर दिया था 1911 में। इसमें देखिए एम ए आपका बराबर मेंटल एज, सी ए आपका क्रोनोलॉजिकल एज, और आपका 100 से गुणा करने के बाद आप क्या निकालते हैं, किसी चीज का प्रतिशत निकालते हैं, है ना? अब देख लीजिए बालक की मानसिक आयु कितनी है, 8 है, है ना? उसकी मानसिक आयु 8 है और उसका जो है तैथिक आयु क्या है, 4 है, और उसका हमने निकाल दिया परसेंटेज, इसका आ गया आईक्यू 200। 200 मतलब क्या, वेरी सुपीरियर, क्या क्रिएटिव चाइल्ड। अभी आप लोग देखेंगे बुद्धि स्केल की जो मापनी है उसमें क्या रखा गया है, 90 से 110 सामान्य। फिर इसके बाद जो है आपका 110 120 जी क्या होता है उसमें सुपीरियर 120, 121 से 130 जो है आपका वेरी सुपीरियर, और आपका 131 से या फिर 140 प्लस जो है आपका क्या है, क्रिएटिव सृजनात्मक। इसमें आपका नीचे आता है आपका 89 आता है, इसके बाद आपका एमएस से लाता है क्या बोलते हैं मैम, 140 क्या लिखी है, 140 आपका क्रिएटिव सृजनात्मक। कहाँ इसका आपका एमएस से लाता है, हिंदी में आप उसे क्या बोलते हैं, मूर्ख। 120 से 130 लिखी है जी, 121 130। अच्छा 130, और किसी किसी ने जो है इसको क्या किया, 121 से 140 किया है, है ना? लेकिन ये जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो आपके 140 प्लस होते हैं, इसको जो है आप यहाँ पे 140 से लिख लीजिए, मैं तो कंफ्यूज हो गई क्योंकि अलग अलग लोगों ने इसका वर्गीकरण किया हुआ है, वो क्या है इसकी पॉइंटिंग रेटिंग थोड़ा अलग अलग है, है ना? इसी बुक में आप देखेंगे तो ये जो आपकी ये चीज़ है 90 से 110 है, तो आप कहीं देखेंगे कि आपका 90 से 100 है, है ना? 90 से जो है 99 है, तो इस तरीके से समान इस तरीके से है, और फिर आपका एम्बिसाइड मूर्ख है, और फिर आपका इसके नीचे आता है 59 आपके आते हैं जड़। ये आपके जो है रेटिंग स्केल के अनुसार दिया गया है, तो उसमें जो है आप क्या करते हैं, एम ए और आपका जो सी ए है उसी के अनुसार जो है इसके चार्टिंग के अनुसार क्या करते हैं, गणना करते हैं। एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 क्या होता है इसमें, देखिए बालक की जो मानसिक आयु होती है जिसमें क्या करता है बालक कक्षा में है, एक कक्षा के अनुसार होती है, वो क्या कहलाती है, मानसिक आयु। जैसे इसमें कैसे पता लगाते हैं मानसिक आयु ज़्यादा है, अब बालक कक्षा 3 में पढ़ रहा है और कक्षा 4 के प्रश्नों का क्या कर रहा है, हल कर रहा है, कक्षा 4 के प्रश्नों को हल करेगा तो जाहिर सी बात है उसका क्या है, मानसिक स्तर ज़्यादा है, है ना? तो इसमें बालक क्या होगा, सामान्य से बेटर होगा,
क्योंकि सामान्य बच्चा क्या करेंगे कि जो उनके क्लास का एवरेज है उसी के हिसाब से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सुपीरियर है, जो थोड़ा क्या है सामान्य से ऊपर है, वो क्या करेगा, अपने से बड़ी कक्षाओं का समस्या का मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेगा। बस समझ में आई। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं सामान्य से नीचे होते हैं, वो क्या अपने कक्षा के भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, है ना। इससे आप जो है इस बुद्धि लब्धि के फार्मूले से क्या निकालते हैं कि बालक जो है सामान्य है, निम्न है या उच्च है। और निम्न उच्च क्या उससे अर्थ होता है, बालक की बुद्धि से, बालक की बुद्धि स्तर से जो है उसका निम्न स्तर पे है या उच्च स्तर पे है, किससे निकालते हैं, बुद्धि लब्धि के फार्मूले से, जिसमें जो है एम ए आपका क्या हो गया, मानसिक आयु आपकी क्या हुई, समझ में बात आया। जैसे आप पढ़ रहे हैं कक्षा 5 में और क्वेश्चन लगा रहे हैं कक्षा 6 का, तो आपकी क्या होगी, मानसिक आयु ज़्यादा हुई। अब मान लीजिए आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और 5 का भी प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, तो आप क्या हैं, सामान्य से नीचे हैं। अगर कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, अगर कक्षा 5 का प्रश्न लगा नहीं रहे हैं, तो आप क्या हैं, सामान्य जी। बात समझ में आई। तो बिन्नू ने जो ये फार्मूला दिया था इसमें भी इसे बहुत सारी अलग अलग स्टेज के लोगों का पता लगाया जाता है ना। और ये जो इनके जो आए 1905, 1906, 1911, 1916 और 2003 में इनका जो है संशोधन होता गया है ना, इनमें जो है नए लोग जुड़ते गए। जैसे अभी बिन्नी साइमन थे, फिर इसके बाद उसमें सुधार किया गया और फिर इसके बाद इसमें टर्मन ऐड हो गए, फिर ऐसे ऐसे सब लोग ऐड, कई लोग इस पर क्या करते गए, शोध करते गए। और 2003 तक आते आते क्या हो गया कि पहले क्या था, ये बच्चों के लिए स्पेशली बना था, है ना, ये परीक्षण बच्चों के लिए हुआ। फिर थोड़ा सा और जो है, सबसे पहले 2 से 11 वर्ष के लिए बनाया गया, फिर क्या किया गया 2 से 13 वर्ष के लिए, फिर इसमें क्या इंक्रीजिंग हुई, फिर इसको जो है 2 से जो है 15 वर्ष के लिए, फिर ऐसे इंक्रीज करते 2003 तक आते आते क्या हो गया, ये सभी वर्गों के लिए जो है 50 साल तक के लोगों का बुद्धि परीक्षण ही करता था। मतलब ये स्केल जो इतना मॉडिफाई हुई कि ये 50 ईयर प्लस के लोगों का भी क्या करता था, बुद्धि लब्धि का ये परीक्षण करता था, जांच करता था। बात समझ में आई नहीं। इसका आप में सीटेट से यही क्वेश्चन पूछता है, टेट में आपका पूछेगा तो आपको इस पे क्वेश्चन लगाने होते हैं, है ना। उसमें आपकी बुद्धि लब्धि दी रहती है, कभी कभी आपको बुद्धि लब्धि दे दिया जाता है, आपका क्या पूछता है, या तो मानसिक आयु पूछता है या तो वास्तविक आयु पूछता है। कभी कभी क्या देता है कि दोनों दिया रहता है, आपको क्या निकालना रहता है, बुद्धि लब्धि। और सीक्रेट में क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या दिया रहेगा, फार्मूला दिया रहेगा, और फार्मूला कभी क्या ऊपर नीचे उलट उलट के दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, सही का बताना होगा। या तो फिर आपका ऐसे देता है मानसिक आयु या तैथिक आयु दे दिया, और उसमें क्या करना है, आपको विचार करना है। 3 का तथ्य दे दिया आपका कि बालक कक्षा 8 में है और प्रश्न जो है कक्षा 7 तक ही हल कर पा रहा है, और ऐसे 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए, तो वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बालक की बुद्धि लब्धि क्या हो सकती है। तो आप इस पे क्या देंगे, जो आपका जो सटीक आंसर लगेगा कि हाँ अभी सामान्य है, सामान्य से अधिक है या सामान्य से नीचे है, ये आपकी हो गई बुद्धि लब्धि। आपका जो है इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बुद्धि लब्धि तो बात आ गई, फिर आई जो है बुद्धि परीक्षण। क्या बुद्धि परीक्षण, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के। एक आपका क्या होता है व्यक्तिक, और आपका दूसरा क्या होता है सामूहिक। क्या होता है आपका इंडिविजुअल, और आपका क्या होता है ग्रुप।
देखिए इसको भी दो में बांटा गया है। पहले देखिए आप जो है ऐसे मत लिखे, ऐसे लिखे कि इसको दो भागों में जो बांटा गया है वो कौन कौन से है। एक तो आपका क्या हो गया है, आपका एक क्या हो गया वर्बल, एक नॉन वर्बल हो गया, जिसे आप क्या कह सकते हैं मौखिक और अमौखिक, मौखिक और अमौखिक। इसमें आपके दो हो गए, क्या हो गया एक व्यक्तिगत या वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, देखिए ये व्यक्तिक और वैयक्तिक में अंतर होता है। क्या होता है व्यक्तिगत, क्या होता है जब दो लोगों के बीच की बात आती है तो क्या होता है इनका या उनका या पर्सनल व्यक्तिक, और जब बहुत सारे लोग हो और उनका भी क्या हो पर्सनल हो, जैसे आप पूरे क्लास का है ना, आप लोग पूरे क्लास हैं और सबका अपना अपना क्या है मत है, तो वो मत क्या कहलाएगा इंडिविजुअल। जैसे आपका भिन्न और विभिन्न में देखिए, भिन्न समझिए इस तरीके से, भिन्न और विभिन्न दो शब्द हैं, भिन्नता दो चीज़ों में दिखाई जाती है ना। जब दो ऑब्जेक्ट दिए रहते तो आप क्या करते हैं कि एक दूसरे से भिन्न है, जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखा दिए जाते हैं और उनमें भिन्नता पाई जाती है तो वो क्या कहलाती है विभिन्नता। बस समझ में आ रही है, जैसे बैंकों वगैरह में आप जाते होंगे तो वहाँ जो स्लिप होती है उसमें क्या लिखा रहता है व्यक्तिक चेक, देखे होंगे कभी उसमें क्या लिखा रहता है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनका क्या है अपना इंडिविजुअल है, तो वो क्या कहलाएगा व्यक्तिक। जैसे जब दो लोगों की बात आएगी तो वो क्या होगा व्यक्तिगत होगा, दोनों का आपस का अलग अलग व्यक्तिगत, और जब कई लोगों की बात आएगी लेकिन उनका अपना जब पर्सनल होगा तो वो क्या कहलाएगा व्यक्तिक। बात समझ में आया, ये आपका व्यक्तिगत या ये आपका सामूहिक, जो भी आप लिख लीजिए लिख सकते हैं आप, व्यक्ति किसमें ज्यादा उपयुक्त है। वैसे तो इंग्लिश में जो आपका इंडिविजुअल लिखाता है इंडिविजुअल, उसका अर्थ दोनों होता है ना। इंग्लिश में जो आपका इंडिविजुअल शब्द है उसको आप व्यक्तिगत के लिए भी यूज करते हैं और व्यक्तिक के लिए भी यूज करते हैं, है ना। लेकिन आपके लिए ज्यादा उपयुक्त लिखिए व्यक्तिक, क्योंकि ये परीक्षण जो है बहुत सारे लोगों पर किया जाता है और उनका अपना क्या होता है पर्सनल होता है, है ना। दूसरा आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और इसमें अमौखिक में भी आपका वही आता है, क्या आता है वैयक्तिक और सामूहिक। देखिए क्या होता है कहीं कहीं जो है व्यक्तिगत भी दिया रहता है ना। आप कभी किसी किताब को उठा के देखेंगे तो कहीं कहीं व्यक्तिगत ही इसको यूज करते हैं, क्या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जो आपके इंटरव्यूज होते हैं वो क्या होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं जैसे कि एनडीए वगैरह में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ, बहुत सारे बच्चों को मतलब ग्रुप में जो है बुला लेते हैं 4, 5, 6, 7 को, और क्या करते हैं पिक्चर का प्रोजेक्शन करते हैं, कोई उनको क्या देते हैं पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर दिखाने का मतलब कुछ ऐसे जो है छायांकित वस्तुएँ दिखाते हैं, और उसमें बच्चे को क्या करते हैं कि विचार करिए, और जब विचार बच्चे कर लेते हैं तो उनका क्या करते हैं परीक्षण करते हैं, क्या करते हैं उनका परीक्षण करते हैं, और परीक्षण में जो जो बच्चे अपना विचार बताते हैं कि हमको ये दिख रहा है या ये बातें हैं
उससे क्या बालक के बुद्धि लब्धि या बालक के बुद्धि का वो स्तर मापते हैं कि अगर जो जहाँ तक वो सोच रहे हैं बालक वहाँ तक पहुँच गया तो वो क्या समझते हैं कि वो एग्जैक्ट सोच रहा है, और उसे क्या करते हैं चूज कर लेते हैं या उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते उन्हें क्या कहते हैं, जाइए अपने घर जाइए, है ना। और यही होता है अमौखिक में। मौखिक में क्या होता है, अंदर देख लीजिए, मौखिक क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर इसे मुख से लिया जाता है, कभी कभी लिखित भी ले लिया जाता है ना। वर्बल इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों चाहे वो मुँह से किया जाए चाहे लिख के किया जाए, लेकिन ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है, मौखिक का, लिखित भी इसमें आता है। अमौखिक में क्या होता है आपका, ये आपका होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, देखा है, क्रियात्मक परीक्षण होता है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, या तो ड्राइंग पैटर्न होता है चित्रों का प्रयोग करते हैं, या तो आपको कोई क्रियाविधि करने को कर दिया जाए, है ना, वो क्या होता है अमौखिक परीक्षण। अमौखिक परीक्षण में आपका फिजिकल आ जाता है, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें फिजिकल करवाया जाता है, वो क्या हो गया आपका एक प्रकार से परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, जो आपका यूपीपी में होता है ना, यूपी पुलिस में आपको क्या करते हैं राउंड लगवाते हैं, 7 मिनट में दौड़िए इतना, 6 मिनट में दौड़िए, 7 मिनट में दौड़िए, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो आपका फिक्स है, वो क्या है आपका आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, और उसके हिसाब से क्या करते हैं आपको नंबर देते हैं। तो वही बात है यहाँ भी कि जो बुद्धि परीक्षण होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मौखिक होता है और दूसरा अमौखिक होता है। मौखिक आपका होता है वर्बल टेस्ट, और ये क्या होता है आपका नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस ये आपके क्या होता है, क्रिया पे बेस होता है, जितना बढ़िया आप परफॉर्मेंस देंगे उतना बढ़िया आपका एग्जामिनर जो है इम्प्रेस होगा। और इन दोनों में अंदर देखें, मौखिक टेस्ट क्या होता है, ये समय कम लेता है ना, क्या होता है समय कम लेता है, और ये क्या होता है समय ज़्यादा लेता है, क्योंकि जब आप क्रिया करेंगे किसी चीज़ को तो उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा, है ना, और मुंह से बोल दिए क्या बहुत जल्दी हो गया। और इन दोनों में क्या होता है, इसमें आपका मौखिक टेस्ट में क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनर होता है, प्रशिक्षणकर्ता होता है, वो क्या करता है, वो बहुत ईजिली जो है आपको हैंडल कर लेता है। और इसमें क्या होता है नॉन वर्बल में, उसको क्या होता है कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि दौड़ा रहा है वो बहुत दूर तक, है ना, यह मौखिक ले रहा है आपसे, लिखित ले रहा है, तो वो सामने खड़ा है, वो क्या कर रहा है आपका मूल्यांकन सामने से कर रहा है ना, इसमें उसकी भी क्या लग रही है, इसमें एनर्जी उसकी कम लग रही है, और इसमें क्या हो रहा है उसका एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है आपका मूल्यांकन करने के लिए वो बहुत दूर तक दृष्टि लगा रहा है, बहुत दूर तक देख रहा है, और वहाँ वो भी क्या कर रहा है एनर्जी लॉस कर रहा है। ये क्या है, ये टाइम सेविंग है, और ये क्या है टाइम टेकिंग है, और ये क्या है एनर्जी सेविंग है, और ये क्या है एनर्जी लॉस्टिंग है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए वर्बल में आपके, जैसे आपको उदाहरण दे दिया मैंने, तो ये आपके दैनिक जीवन में ही देख लीजिए, बच्चों की जो परीक्षाएँ कराई जाती हैं, आपका एक होता है लिखित परीक्षा और एक होता है मौखिक परीक्षा, लेकिन जो ये बुद्धि परीक्षण लिखित और मौखिक होता है वो मौखिक के अंतर्गत ही आ जाता है। ज़्यादातर जो मौखिक वर्बल टेस्ट है उसमें आपका रिटन भी इंक्लूड कर लिया जाता है, और इसमें जो है आपका नॉन वर्बल में जो आता है वो क्या होता है आपका क्रियात्मक होता है, या तो पैटर्नों या चित्रों का प्रयोग किया जाता है ना। और साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, चित्र होता है। क्या होता है, चित्र, बहुत सारे आपको जो है चित्र दे दिए जाते हैं, देखिए जैसे आपको दे दिया गया आपके जो रीजनिंग वाले टेस्ट आते हैं, यही आपके बुद्धि बेस्ड होते हैं, है ना, दे दिया, इसमें आपको चित्र क्या करना है, एक लाइन से लगाना है ना, क्या करना है चित्रों को एक लाइन से लगाना है, और ये क्या हो गया, एक तो आपका ये एक तरीके से आपका क्रियात्मक हो गया, हुआ कि नहीं, इसमें आपको बोलना नहीं है, इसमें क्या करना है सेट करके दिखाना है, क्रिया करना है, इसलिए इस टेस्ट को क्या कहते हैं, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण करते हैं, क्योंकि इसमें जब आप इसको सेट करेंगे तो इसका किसका प्रयोग करेंगे, बुद्धि का, है ना। और देखिए
अब देखिए मौखिक परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है, एक क्या है व्यक्तिगत है या वैयक्तिक है और दूसरा क्या है आपका सामूहिक है। और व्यक्तिगत में देखें जैसा कि नाम से एकदम क्लियर है, इसमें कुछ समझना नहीं, नाम से क्या क्लियर है व्यक्तिगत है तो मतलब स्पेशली एग्जामिनर एक बार में एक ही विद्यार्थी का या एक ही एग्जाम स्टूडेंट का क्या कर रहा है, वो परीक्षण कर रहा है, इसका वो जांच कर रहा है, एक बार में एक का कर रहा है, तो इसलिए वो क्या कहला रहा है व्यक्तिगत कर रहा है। पर्सनली उसके क्या उसके एटीट्यूड उसके एप्टीट्यूड और उसकी रुचि हर चीज़ का वो क्या कर रहा है परीक्षण कर रहा है और एक बार में एक ही व्यक्ति का कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ व्यक्तिगत हुआ या व्यक्तिक हुआ। सामूहिक क्या हुआ एक बार में बहुत लोगों को बैठा दिया है ना, 5-6 लोगों को, जैसे आजकल वाइबा होता है, वाइबा जो होता है हमारे यहाँ आपके यहाँ कॉलेजों में ये ऐसा होता है कि एक बार में बस एक आदमी का लेना है ना, लेकिन चूंकि एग्जामिनर को क्या है इतने सारे स्टूडेंट हैं और एक दिन में निपटाना है बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डली अगर वो लेता है तो 2 दिन दे पाता है, और स्टूडेंट आपके कितने हैं 100, 150, 200 लगभग सभी कॉलेजों में यही स्थिति है, तो एग्जामिनर को क्या करना है बहुत जल्दी उसको ख़त्म करना है क्योंकि टाइम इतना नहीं है, और जब टाइम की कमी है तो वो क्या करता है समूह में ले लेता है, क्या करता है 4-5 बच्चों को साथ में बैठाता है, एक क्वेश्चन करता है, 5ों में से किसी को आ रहा है तो वो बताता है। इस प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। बस समझ में आ रही है। और ऐसे नॉन वर्बल में भी यही चीज़ होता है, अमौखिक वाले में भी क्या होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है पर्सनली एक इंसान को बुला के और उसको बहुत सारी जो है एक्टिविटी दे दिए, क्या दे दिए सेगमेंट्स दे दिए कि आप एक ये कर लीजिए, इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है, क्या करना है आपको डिफरेंट लेवल क्रॉस करना है, पर्सनली एक इंसान से आप करवा रहे हैं तो वो क्या हो गया व्यक्तिक हो गया, और उसी कार्य को आप क्या कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों को एक साथ क्या दे रहे हैं कि ये करिए आप लोग परफॉर्मेंस दीजिए, तो वो आपका क्या हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया। अब देखिए आपका जो है इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण में आपका आता है साइमन, साइमन का स्केल, बिन्नी साइमन, बिन्नी साइमन स्केल। इसमें क्या होता है जो बुद्धि परीक्षण कराया जाता है वो क्या होता है व्यक्तिगत होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आपने नाम सुना होगा बुद्धि परीक्षण का, इंक ब्लॉक सुना है आप लोगों ने, आइए आप लोग एक आपका गेम आता है, बहुत सारे आपके गेम्स ऐसे ही आते हैं, वो क्या होता है मंजिल जो आपकी होती है यहाँ होती है और बहुत सारे आपको रास्ते दिए जाते हैं है ना, बहुत सारे आपको रास्ते दिए जाते हैं और आपको क्या करना होता है एंड पे पहुँचना होता है ना, तो वो बच्चों को क्या किया जाता है दे दिया जाता है, और बालक क्या करते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, बहुत देखते होंगे पहले जो है रफ के पीछे दिया होता था कि केला दे दिया गया या कुछ दिया दे और चूहा बना दिया गया, इसको कहाँ पहुँचाना है बीच में, और इसे क्या कहते हैं मेज कॉन्टेस्ट या भूल भुल या परीक्षण। इसमें क्या होता है आप यहाँ से चलते हैं और लास्ट में एट लास्ट जहाँ पहुँचना रहता है बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हैं वहाँ पहुँचते हैं है ना, उस परीक्षण को क्या कहते हैं ये इंडिविजुअली करवाया जाता है, ये क्या होता है मेज परीक्षण, इसे हिंदी में बोलते हैं भूल भुलैया परीक्षण। बहुत सारे आपके परीक्षण हैं जो आपके व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में काम आते हैं। क्या हुआ देखिए आपका जो है आपको इतनी बातें समझ आए वर्बल नॉन वर्बल इंडिविजुअल सामूहिक व्यक्तिगत और सामूहिक व्यक्तिगत, इसमें जो है आपके अलग अलग परीक्षण हैं, कल हम इसको लिखवा देते हैं क्योंकि एक मुझे इसमें से